ध्यान देना, चंदन गंगा जल ये कभी बासी नहीं होते, अपवित्र नहीं होते। इसलिए याद रखना, भगवान की इन वस्तुओं को सफाई करके भगवान की रात्रि के शयन करावे, और जो रात्रि के समय किन्हीं कारण से नहीं कराते हैं वो सुबह पहले मंदिर खोल करके सफाई करे, सुंदरता से पूरे स्थान को शुद्धता से, पर घर के जहां मंदिर जिस कमरे में हो मंदिर के थोड़ी दूरी से झाड़ू लगानी चाहिए। बिल्कुल मंदिर के अंदर कभी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना, सूखे कपड़े से सफाई करें, और इस तरह से मंदिर की सफाई करके नमक डालकर पोछा लगावे। सारी पूजन के जितने पात्र हैं, बर्तन हैं, तांबे के, पीतल के, चांदी के या जो भी हैं, उनको भी बहुत सफाई से रखना चाहिए। कई जगह हम गए, उनके रसोई के बर्तन तो बड़े चमचमा रहे थे, मगर ठाकुर जी का तांबे का लोटा सड़ा हुआ रखा था। भगवान के बर्तनों को सफाई करना चाहिए। तांबे और पीतल के बर्तन को सफाई करने का तो तुम्हें पता होगा, जिस पाउडर से साफ करो उसमें नींबू मिला लो, अमचूर मिला लो, पहले जल से धो, हल्का सा नमक भी मिला सकते हैं, उसे रगड़ करके साफ करें। ठाकुर के बर्तनों को रात्रि के समय सफाई करके, मंदिर की सफाई करके शयन करना चाहिए, अन्यथा सुबह उठ करके सबसे पहले सफाई करें। उसके बाद घी में, दीपक में घी डालकर रुई बना के तैयार करें, पंच फूल आरती तैयार करें, और दीपक का जब भी कोई काम करो, घी डालो, रुई बनाओ, दीपक जलाओ, आरती करो, या दीपक भगवान को दिखाएं, धूप बत्ती दिखाएं, तो हाथ पे जल अवश्य धो लेना चाहिए। दीपक को कोई भी कर्म करते समय भो दीप देवरुस्तम कर्म साक्षी अविग्र कर, ये दीपक आपके किए गए कर्म का साक्षी है। जैसे सूर्य भगवान इस पृथ्वी से लेके पूरी पृथ्वी पे प्रत्येक प्राणियों का कर्म का साक्षी देवता है, चाहे तुम कमरे के अंदर छिपकर के कोई कर्म करो या बाहर करो, सूर्य भगवान की इतनी तेज ज्योति है कि कमरे के अंदर भी छुपा हुआ कर्म भी सूर्य भगवान देखते हैं। और जितने भी अच्छे बुरे कर्म करते हो, सूर्य भगवान उन कर्मों को देखकर अपने पुत्र यमराज धर्मराज को बता देते हैं, क्योंकि सूर्य के ही पुत्र हैं यमराज, सूर्य की पुत्री है यमुना, और ये यमराज और धर्मराज दोनों एक ही हैं। पापियों को जब सजा देते हैं तो वो यमराज बन जाते हैं, और जब किसी धर्मात्मा को स्वागत रूप स्वर्ग देते हैं तो धर्मराज बन जाते हैं। बात समझ गए ना? जैसे पुलिस का एक इंस्पेक्टर किसी गलत आदमी को सजा देता है तो देखना वो गाली देगा, मारेगा, अपमान करेगा, उसका रूप अलग बन जाता है। लेकिन यदि किसी पुलिस वाले को आप या कथा में लेके आवे, या कोई धर्मात्मा व्यक्ति उनसे मिलने जाए या वो मिलने आवे, तब देखना वही व्यक्ति कितना सुंदर धर्म रूप बना ले। ऐसे यमराज और धर्मराज दोनों एक हैं। इसी प्रकार से दीपक भी हमारे धर्म के किए गए साक्षी रहता है, और ये दीपक ही पूजा में आने वाली जितनी परेशानी है, पूजा में जितना विघ्न आने वाला है, दीपक के द्वारा सारे विघ्न दूर होते हैं।
मंत्र में भी बोला जाता भो दीप रेप देव रूपस्तम कर्म साक्षी अविघ्न कृत यावत कर्म समाप्ति शक्तावत्तम सुस्त्रो भव शुभम करो तु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशम च दीप ज्योतिर नमोस्तु। पूजा का दीपक पूरे परिवार का एक ही होना चाहिए। आरती का दीपक पांच पांच फूल बत्ती वाला दीपक हो और बीच में वाले में कपूर डाल करके सब तैयारी कर ले। और कभी भी घर के मंदिर में या नगर के मंदिर में रोजाना दशोपचार पूजन नहीं करना चाहिए। पाद्यम अर्घम आचमनियम कर नमक्षतम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम नमस्कार करो या षोड़ोपचार पूजन नहीं करने चाहिए। आवाम स्थापयामि पूजयामि पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनियम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि गंधम चंदनम मिलेपियामि अक्षतम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि पुष्पमालाम समर्पयामि धूपम अग्र्यापयामि दीपम दर्शयामि हस्तो प्रक्षालयामि नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयम समर्पयामि ऋतु फलम समर्पयामि तांबूलम पूंगी फलम समर्पयामि दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि ततो नमस्कार करोमि षोडोपचार। रोजाना घर के मंदिर में ना 10 प्रकार से पूजा करें ना 16 प्रकार से सामग्री से पूजन करें।